मैं सोनिया अख्तर बांग्लादेशी हूँ। स्टील नाउ मैं अभी भी कावड़ा जात के दिन मैं शिवालिक होम्स में आई हूँ। अभी भी मैं शिवालिक होम्स में ही हूँ। ये देखिए शिवालिक होम्स का सोसाइटी का, अभी तो लाइट चला गया उस साइड का, तो मैं दूसरी साइड पे आ गई हूँ। ये देखिए देखिए मेरा जो भाई ने शिवालिक होम्स में भेजा है, तो मैं अभी भी मैं शिवालिक होम्स में ही हूँ, मैं बाहर नहीं हूँ। आप लोग गलतफहमी में मत रहिए जब मैं बाहर हूँ। बाहर कर दिया, कौन मेरे को बाहर करेगी? पहले तो ये बात है, कौन मेरे को बाहर करेगी? मैं, मेरा हस्बैंड का जो पूर्व पत्नी रचना शर्मा, वो पूर्व हो चुकी है, ठीक है, मैं उसका लीगल वाइफ हूँ। उसका औकात नहीं है मेरे को बाहर करने का, उसको कोई बाहर करने का कोई औकात नहीं है। वो बहुत जबरदस्ती कर रही है मेरे से, मेरे ऊपर, मेरे बच्चा के साथ बहुत ज्यादा जबरदस्ती कर रही है। और जब पुलिस आ रही है शिवालिका में, ये मेरे को प्रोटेक्शन देने के लिए आ रही है, क्योंकि रचना शर्मा से मेरा जान का खतरा है, मेरे बच्चों का भी जान का खतरा है। जो पुलिस हाथ पकड़ के लेके जा रही है, मेरे को कहीं नहीं लेके जा रही है, सिर्फ रचना शर्मा से बचा रही है और मेरे बच्चों को बचा रही है। उसका जो बेटा है, दो बेटा, उन दो बेटा से भी मैं, हम दोनों को बचा रही है। देखिए इंडिया का कानून के, कानून जो कोड है, इंडिया का कानून के ऊपर तो मुझे बहुत बड़ा, बहुत भरोसा है, रहेगी, और उसका फॉल भी मिला है मेरे को। मैंने कोर्ट का नोटिस लेके, कोर्ट का दस्तखत लेके, कोर्ट का परमिशन लेके मैं आया हूँ। मेरे को आना होती तो 3 साल पहले ही आ सकती थी, 3 महीने पहले ही आ सकती थी। मैंने तो पूरा कानून पे आया हूँ, ऐसा नहीं है। मेरे भाई ने मेरे को जो कवरा जत का व्रत के दिन भेज दिया, तो भाई ने मेरे भाई का फर्ज निभाया है, भाई ने भाई का बात रखा है, बहुत शुक्रिया है भाई से। मेरा भाई तो भ्रष्ट वकील है, डॉक्टर एपी सिंह, जिन्होंने जो बात बोलती है जरूर रखती है और वो सिद्धत निभाती है। ये बहुत अच्छी बात है मेरा भाई का। जब मैं आप लोगों को और भी क्लियर करके बताना चाहती हूँ, मैंने कोर्ट का पेपर लेके ही आया हूँ मेरे हस्बैंड के साथ रहने के लिए, क्योंकि बच्चा लेके तो 2-3 महीने हो चुकी है। मैं तो मैं उनके पास आया हूँ। और रहे बात, इस सोसाइटी का लोग बहुत अच्छा है, मेरे बच्चों से मेरे को बहुत प्यार करती है लोग, बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसा मेरे बोलती है ना, भगवान का घर ढेर है, अंधेर नहीं है। तो सोसाइटी में आने के बाद ही मुझे पता लगा कि सोसाइटी के लोग बहुत अच्छा है, बहुत मेरे बच्चों से बहुत प्यार कर रही है, मेरे को भी बहुत सपोर्ट कर रही है, बहुत प्यार कर रही है। सब लोग दिख रही है, सच क्या है, सच क्या है, सब लोग दिख रही है। क्योंकि रचना शर्मा इतनी इतनी ज्यादा हम लोगों के ऊपर टॉर्चर कर रही है, जे क्या बताऊं मैं। आप लोगों को वो वीडियो भी भेज दूंगी, आप लोगों को देख सकते हैं, मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी जो कितनी टॉर्चर कर रही है मेरे को, मेरे बच्चा के ऊपर। और बात रही है, देखिए धर्म, सारे धर्म सबसे ऊंचा है। सनातन धर्म बोलिए, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मुस्लिम धर्म, वो भी तो मैं तो जन्मी हुआ, मैं मावड़ा हूँ, मैं उसमें भी रिस्पेक्ट करती हूँ। सारे धर्म बहुत ऊपर है, कोई भी धर्म गलत नहीं सिखाती है, सारे धर्म सही चीज सिखाती है, तो दो धर्म का कोई बात है ही नहीं। आप जो भाई साहब ने कर रही है, मैडम जी दिखा रही है, आप एक बात बताइए, इतनी प्यार है, इतनी मतलब धर्म के ऊपर विश्वास है उनका, जो शादी के ऊपर उनका विश्वास था, तो मैडम जी को तो छोड़ के मेरे को शादी किया है, मेरे को छोड़ के तो नहीं किया है ना। तो मैडम जी को सोचना चाहिए, जबरदस्ती करने से मैडम जी को कुछ नहीं होगी, कुछ मिलेगी भी नहीं उनको। कब तक करेगी जबरदस्ती, कब तक? मेरा प्यार इतना स्ट्रांग है ना, मेरा रिश्ता इतना मजबूत है ना, वो पति को वॉशरूम का वो कमरा में बंद करके रखा है, 4-5 सिक्योरिटी गार्ड देके रखा है, उसका बेटा का 4-5 दोस्त आके उसको पहरा देती है, जबरदस्ती कर रही, कब तक चलेगा मैडम जी, कब तक? वो भी मैं देखूंगी। तो नोएडा पुलिस बहुत अच्छा है, मेरे को बहुत सपोर्ट कर रही है। आप लोग प्लीज गलतफहमी में मत रहा करिए, जब पुलिस ने मेरे ऊपर जबरदस्ती कर रही है, बाल खींच के लेके जा रही है, रचना शर्मा घर से धक्का देके, देखिए उसका वो घर नहीं है, वो मेरा हस्बैंड का घर है, मैं आप लोगों सबको बता रही हूँ। नहीं तो आप लोग जानकारी लीजिए, ये जो सोसाइटी है, ये सोसाइटी में कोई भी फ्लैट अभी तक रजिस्टर नहीं हुई है, और ये जो कॉन्टैक्ट नामा है वो मेरा हस्बैंड के नाम पे है, मेरा हस्बैंड का घर है, रचना शर्मा का बाप का घर नहीं है, वो मेरा घर है, वो मेरा पति के घर है, और मैं रह रही हूँ शिवालिका होम्स में ही है। आप मैडम जी को जितना नौटंकी करना है करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसका लीगल वाइफ हूँ, मुझे कोई नौटंकी करने का कोई जरूरत नहीं है। पति को पप्पी करके फोटो देना है, पप्पी को ये करना है, मुझे नहीं जरूरत है। देखिए